बरनाला में एक टैक्सी ड्राइवर के खाते में अरबों रुपए आखिर कैसे आ गए? ये वाकई में बैंक की ओर से कोई क्लेरिकल गलती है या फिर काले धन को व्हाइट करने की कोशिश? ये खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और ऐसा ही एक वाकया पंजाब के बठिंडा में देखने को मिला, जहां पर एक शख्स जो कुछ ही दिनों के लिए आरोपपति बन गया। अमीर बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन अरबपति कोई बिरला ही बन पाता है। लेकिन बरनाला के टैक्सी ड्राइवर बलविंदर महज 15 दिन के अंदर दो बार अरबपति बन गए। पहले 4 नवंबर को बलविंदर के खाते में 98.5 अरब रुपए जमा हुए। बलविंदर को मैसेज के जरिए जानकारी मिली तो हक्के बक्के रह गए और सीधा बैंक पहुंच गए, जिसके बाद उनके खाते से पूरी रकम निकाल दी जाती है। लेकिन 19 नवंबर को बलविंदर के खाते में जमा रकम 9,900 करोड़ को पार कर जाती है। बलविंदर फिर बैंक पहुंचे और बैंक ने उनकी पासबुक जब्त कर ली। आखिरकार आयकर विभाग को भनक लगी तो उन्होंने भी बैंक अधिकारियों से पूछताछ की। दरअसल ये सारा मामला बैंक की क्लेरिकल मिस्टेक से जोड़कर देखा जा रहा है। कि तेरे खाते जी कदों पैसा है, कदों निकले ने, ते दोबारा फिर किन्ने तरीक नु आए ने, वो सारा भी पूछ के इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तो जो मेन ब्रांच से यहाँ कैश लाने जाने में जो हम पे करते हैं 200 रुपया नॉमिनल चार्ज है, तो उसके लिए हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। वो बाई मिस्टेक के 200 की जगह पूरा अकाउंट नंबर जो होता है जिसको हम डेबिट करते हैं वो डल गया, तो इसको हमने अगले दिन फिर रेक्टिफाई किया। मामला मीडिया में उछला तो डीसी साहब ने भी स्थिति साफ करने की कोशिश की और दोषी बैंक अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही। बैंक के अधिकारी ने जो उन्होंने जब इनक्वायर किया, इनक्वायर करने उपरांत ही जो है 98.5 करोड़ भी रिवर्स किया, तो जी क्लैरिकल जी मिस्टेक रेक्टिफाइड किया। उन्होंने कंसर्न जोड़ा है जनरल ऑफिस है जो हैडक्वार्टर है उन्होंने इनफॉर्म किया, अकॉर्डिंगली इनक्वायर कर रहे जो भी कंसर्न ऑफिसर जो ऑफिशियल ने उन्होंने जी भी गलती करनी है कार्रवाई करनी। फिलहाल बैंक ने अपनी गलती को मानते हुए उसके अकाउंट से पैसा तो रिमूव कर लिया है, लेकिन फिलहाल उसके एक दिन के करोड़पति बनने की यह जो चर्चा है वो पूरे शहर में बनी हुई है।